संडे यानी कि फंडे। आज होगी शादी की बात, फैशन की बात। आज पूरी दूल्हा और दुल्हन की फैमिली की ड्रेस खरीदी जाएगी, तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग की दुनिया में। आज चांद से दुल्हन बनने का तरीका होगा। आज दुल्हन की बहन को सुपर हिट बनाने वाली ड्रेस होगी। आज दूल्हे को हीरो सा बनाने वाला आइडिया होगा। दूल्हा और दुल्हन के भाई को हीरो बनाने वाली शॉपिंग होगी। और दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा रिश्तेदार भी चमकेंगे, क्योंकि आज मैं आपको शादी वाली पूरी फैमिली की शॉपिंग कराने लेकर जाने वाली हूँ। तो देर किस बात की, फटाफट से शो शुरू करते हैं, बहुत सी बातें करनी है। आज शादियों की ड्रेस की बात हो ही रही है, तो क्यों ना आज के पांच महाउपाय भी शादियों की ड्रेस से जुड़े हुए बताऊं। सवाल ये है कि क्या आपके नए कपड़े को बुरी नजर लग जाती है? किसी ने जल्दी तारीफ क्या कर दी, आपके नए कपड़े पहनते समय कुछ ना कुछ उधर उधर हो जाता है, तो आप क्या करें? जब नए कपड़े पहने तो अपने ईश देवता को या देवी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके कपड़े आपके कवच के समान हो जाएंगे, जो आपकी रक्षा करेंगे, बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएंगे। आप ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, श्री राम सीता राम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब बात शादी की आती है तो हमेशा हमें दुल्हन एक खूबसूरत से लहंगे में ही नजर आती है। हालांकि अब जिस तरह से टाइम बदल रहा है और दुल्हन जो है उसको भी कुछ अलग अलग चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में कि लहंगे के अलावा भी जो ब्राइड है वो क्या कुछ ऑप्ट कर सकती है। संजना, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं इस सीजन कि ब्राइड लहंगा नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत सारे कुछ अलग करना चाहती है, तो वो क्या कुछ ऑप्शंस हैं? ओके, सो ये जो है, ये आप सारे जो देखें, सारे अनारकलीज है, दीज आर एक्चुअली वेडिंग ड्रेसेस। इसमें क्या डिफरेंट है, आई मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लहंगे जैसे दिखते हैं बट ये लहंगे नहीं है। सो यू नो देर आर लॉट ऑफ ब्राइड्स जिनको एक कम्फर्ट चाहिए, द ईज ऑफ वेयरिंग समथिंग विच इज नॉट वेरी हैवी एंड टू पीस नहीं है, थोड़ा लाइटर नहीं बोल सकते, इट्स मोर ऑफ कम्फर्ट, यू नो, एंड कुछ डिफरेंट, क्योंकि यूजली आजकल तो शादियों में यही दिखता है कि लहंगा ही पहनना है ब्राइड को। तो ये जो हमारे पास है, ये इसमें नीचे आप देखेंगे तो पूरा रेशम का काम है, एंड यहाँ पर जो है पूरा जरदोजी का काम है, ये जरी का पूरा काम है। ये भी जो दूसरा है, दिस इज फॉर द ब्राइड जिसको लहंगा नहीं पहनना बट रेड कलर, जो ब्राइड का सबसे इम्पोर्टेंट कलर होता है, अगर वो फॉलो करना है, सो दिस इज वन, तो अगेन जरदोजी का जरी वर्क है, एंड अगेन दिस इज अ लेयर नीचे जो ये है। हम क्या करते हैं, हम इसमें कैन कैन का एक लेयर डाल देते हैं, सो दैट वो थोड़ा और फ्लफी और थोड़ा और ग्रैंड लगे, यू नो, लुक आए, लहंगे वाला लुक आए, लहंगे वाला लुक आए पर लहंगा नहीं, सो दैट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ ऑप्शन है, साथ साथ में गाउन्स रिसेप्शन के लिए। सो ये जो है वो वेलवेट का गाउन है। नाउ दिस इज मोस्ट इन राइट नाउ, क्योंकि वेलवेट का ट्रेंड जो चल रहा है फिलहाल, हम सबको पता है वेलवेट सबसे हॉट केक है इन द ब्राइडल मार्केट। सो दिस इज अगेन, ये पूरा इस पे जरदोजी का काम है। ये वर्क इसलिए मिनिमल है और कट इतना यूनिक है क्योंकि दिस इज हैपनिंग, यू नो, इट्स फॉर अ ब्राइड जिसको थोड़ा और कंटेम्प्रेरी चाहिए, इंडियन चाहिए, इसलिए हमने जरदोजी आ किया, पर थोड़ा कंटेम्प्रेरी कट से वो यू नो मॉडर्न लगता है ज्यादा। कलर्स भी बॉटल ग्रीन कलर है, सो दैट अगेन डीप ग्रीन इज अ कलर जो यू नो बहुत ही ज्यादा रॉयल लगता है, यू नो इट्स अ वेरी लग्जूरियस कलर, एंड अगर ब्राइट डीप ग्रीन पहनेगी तो शी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड बाकी लोगों में कोई ज्यादा पहनेगा नहीं ये कलर, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कलर। उसके साथ कुछ और ऑप्शंस भी हैं संजना गाउन में। हाँ, तो ये जो दो गाउन्स है हमारे पास, ये उनको एक्चुअली प्रिंसेस स्टाइल गाउन्स बोलते हैं, बिकॉज यू नो आजकल ये पूरा ट्रेंड आया विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्ट, जहाँ वेडिंग गाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम शादी में नहीं पर रिसेप्शन में बहुत सारी ब्राइड्स होती है जो ये गाउन्स पहनती है। पहले रिसेप्शन में यू नो साड़ी पहनते थे या लहंगा ही पहन लेते थे, यू नो कोई लाइटर लहंगा, बट नाउ डेज दीज गाउन्स आर अ ट्रेंड, बिकॉज अगेन ये जो इनका लुक होता है इससे ब्राइड सबसे अलग लगती है।
प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कितना? दिस ये जो गाउन्स है ये दोनों आपको 30-40 के रेंज में है। ये वाला भी जो वेलवेट का है दिस इज अगेन इन द रेंज ऑफ 40,000 एंड ये जो सब है ये अबव 40,000। थैंक यू सो मच संजना हमें बताने के लिए कि क्या कुछ अलग और क्या कुछ बेहतर ऑप्शंस इस बार मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ब्राइड्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और लहंगे से हटकर अगर कुछ और आप पहनना चाहते हैं हालांकि लुक वही चाहते हैं तो इस तरह के कुछ अनारकली सूट्स या फिर गाउन ऑप्शन है जो आप अपनी शादी में पहन सकते हैं और बेहद खूबसूरत लग सकती है। आपको लेटेस्ट स्टाइल और ट्रेंड के हिसाब से अपडेट करने जा रही हूँ। संडे को और खास बनाते हैं, उसकी बात करते हैं जिसे देखने के लिए पूरी बारात बेताब होती है। अरे आप समझ नहीं पाए क्या, हम दुल्हन नहीं दुल्हन की बहन यानी कि जीजा की साली की बात कर रहे हैं। शादी में दुल्हन की बहन का जलवा जो है दुल्हन से कम नहीं होता बल्कि ज्यादा ही होता। दुल्हन की बहन की शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि अगर इनकी ड्रेस में जरा भी चूक हो गई तो समझिए पूरी शादी सिर पर उठा लेंगी। शादी में जितनी तैयारी दुल्हन को करनी पड़ती है उतनी ही तैयारी दुल्हन की बहन को भी करनी पड़ती है। जितनी सारी तैयारियां दुल्हन करती है अपने ड्रेसेस के लिए ज्वेलरी के लिए उतनी ही सारी तैयारी दुल्हन की बहन भी करती है। और अगर आपके घर में शादी है या आपकी बहन की शादी है तो आप क्या कुछ पहन सकती हैं, क्या कुछ जो कॉस्ट्यूम है वो आप कैरी कर सकती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। और ये जानने के लिए मैं आ पहुंची हूँ दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ऑप्शंस हैं और क्या कुछ ट्रेंड में है दुल्हन की बहन के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे साथ अनिल है। अनिल, तमाम सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे लेकिन सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में क्या है? जैसे नीचे स्कर्ट ऊपर से जैकेट मस्तानी स्टाइल का है। और ये खासतौर पे दुल्हन की बहन के लिए बहनों के लिए होता है खासतौर पे। इसकी खासियत ये है कि नीचे स्कर्ट है और ऊपर जैकेट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है। डिजाइन बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, कलर डिजाइन अलग अलग है इसमें। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ ऑप्शंस होंगे? इसके अलावा पार्टी वेयर लहंगे डिजाइनर। इनकी क्या खासियत है? ये लड़कियों के लिए स्पेशल होता है क्योंकि उनकी बहनें ब्राइडल लहंगा पहनती हैं, उनके लिए लाइट वेट लहंगे होते हैं पार्टी वेयर डिजाइनर लहंगे। और क्या कुछ ऑप्शंस होंगे इसके लिए? जैसे मैं आ गया ऑप्शन इंडो वेस्टर्न ड्रेस, इंडो वेस्टर्न गाउन लुक में प्लेन गाउन ऊपर से जैकेट इंडो वेस्टर्न बिल्कुल। और इस जैकेट में पूरी तरह से इसको हैंडवर्क है, नेट का रखा गया है। एक और खास ड्रेस भी है यहाँ पर, गाउन भी मुझे देखने को मिल रहा है जी। पहले सिल्क गाउन स्पेशल ठंडियों के लिए स्पेशल, खास तौर पे ये सर्दियों के लिए बनाया गया है सिल्क ये गाउन है और इसपे वर्क किया गया है। कौन सा वर्क है? दबका वर्क है। यानी कि तमाम सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर आप वेस्टर्न में जाना चाहते हैं तो आप गाउन्स ले सकते हैं, अगर आप इंडो वेस्टर्न में जाना चाहें तो आप गाउन उसके ऊपर आप जैकेट ले सकते हैं, लहंगा ले सकते हैं, क्रॉप टॉप ले सकते हैं, यानी तमाम सारे ऑप्शंस हैं। शो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज का क्या है खास और स्पेशल दूसरा महाउपाय। सवाल ये है कि क्या नए कपड़े से जुड़े शकुन जानते हैं आप? अगर आपने नए कपड़े पहने हैं और कुछ समय बाद ड्रेस पर कुमकुम या चंदन या शहद या सिंदूर कोई ऐसी शुभ चीज गिर जाए, लग जाए, हल्दी लग जाए तो ये अच्छा शकुन माना जाता है। ऐसे होने पर जल्दी भविष्य में कोई गुड न्यूज मिलने का योग या संभावना बनती है, काम में आपको सफलता मिलती है। ऐसा ही होता है ना, दुल्हन या दूल्हे की रिश्तेदार मामी चाची मौसी मम्मी सब शादी से पहले खुद के लिए खूब तैयारी करते हैं, पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम पीछे क्यों रहे, आइए अब आपको दूल्हे दुल्हन की मम्मी और दूसरे रिश्तेदार आंटियों की शॉपिंग करवा देती हैं।
देखते हैं इनके लिए मार्केट में कौन सी लेटेस्ट साड़ियाँ और डिजाइन मौजूद हैं। शादी के दिन दुल्हन की ड्रेस तो बहुत इम्पोर्टेंट होती ही है, उसको तो सबसे अलग दिखना ही होता है। उसके साथ साथ दुल्हन की मम्मी क्या पहन रही है या दुल्हे की मम्मी क्या पहन रही है वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनको भी पूरी शादी में सबसे अलग दिखना होता है। इसलिए आज हम कल्कि स्टोर पर मौजूद है और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ खास है यहाँ पर दुल्हे और दुल्हन की मम्मियों के लिए। संजना हमारे साथ है। संजना, किस तरह की साड़ियाँ दुल्हे की मम्मी या दुल्हन की मम्मी के लिए इन है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो भी सबसे खास दिखे शादी में। तो आप ये वाली अगर देखेंगे, दिस इज अ पिंक साड़ी एंड इसमें ये जो बनारसी पे जो काम किया है, ये गोटापट्टी का काम है, सीक्वेंस है, तो ये जो डिटेलिंग है ये यू नो दुल्हन की मम्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिटेलिंग ही यू नो काम, वो जो प्लेन साड़ी जो थोड़ा सटल होना चाहिए, दुल्हन की मम्मी को बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट जो थोड़ा सटल पे जो भारी काम है पल्लू पे, दिस इज द हाईलाइट ऑफ द प्रोडक्ट यू नो। एंड वी हैव दिस, ये डायमंड पूरा काम है, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर इज अ वेरी गुड कलर फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम्स मदर, और इसमें जो डायमंड का काम है, समबडी जिसको थोड़ा कुछ सटल चाहिए पर थोड़ा सा यू नो ब्राइट बीच में चाहिए, तो दिस डायमंड और ये जो डायमंड का वर्क है पल्लू पे, दैट इज द हाईलाइट। क्योंकि बहुत बार शादी होती है तो दुल्हन की मम्मी या दुल्हे की मम्मी, उनको थोड़ा रिश्तेदारों को भी संभालना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा लाइट और लुक जो स्ट्रांग हो, जो एकदम सटल हो, बट ऑल्सो काम की वजह से वो हैवी लगे, क्योंकि वो दुल्हन की मम्मी है, तो शी हैज टू लुक द बेस्ट। ना साथ साथ इनकी प्राइस भी हमारे दर्शकों को आप बताओ। सो ये वाली जो है, दिस विल बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 40,000 एंड इफ यू वांट टू गो लिटिल लोअर देन दिस इज अबाउट 30, सो 25-30 के रेंज में ये वाली साड़ी मिलेगी। आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो है, दिस इज द मोर मॉडर्न साड़ी, सो दिस इज ऑल द पैस्टल्स दैट वी हैव। अब ये जो है पिंक कलर की साड़ी, इसमें फ्लोरल वर्क है विच इज मोस्ट इन राइट नाउ, फ्लोरल जो पेस्टल कलर्स है पिंक, यू नो अगर कोई दुल्हन की मम्मी है जिसको थोड़ा मॉडर्न दिखना है, थोड़ा अवे फ्रॉम द रेड्स एंड द ऑरेंजेस, सो दिस इज वन साड़ी दैट वी हैव जिसमें फ्लोरल वर्क है, जरदोसी है, सो दिस इज समथिंग फॉर समबडी हु वांट्स टू लुक वेरी मॉडर्न। देन अगेन दिस इज ऑल्सो बनारसी, बट इसमें आई मीन ये फिर ट्रेडिशनल है बट थोड़ा मॉडर्न टच देने के लिए उसको कलर वैसा दिया है कि ग्रीन कलर दिया जो लाइटर है। अगेन देयर इज जरदोसी वर्क ऑन द पल्लू, ये जो ये सब जो हाईलाइट किया हुआ ना काम, इस काम से वो साड़ी का लुक आता है, बिकॉज अदरवाइज द साड़ी इज वेरी सटल यू नो, दैट्स द हाईलाइट ऑफ व्हाट वी मेक। ये शायद पल्लू का बस हैवी है। हाँ बीच में से प्लेन आई थिंक ये साड़ी है। आप ब्राइड और ग्रूम की मॉम्स के लिए यहाँ पर जो भी कलेक्शन देखेंगे मोस्टली ऐसा ही होगा, जो बहुत सटल हो बट फिर भी स्ट्रांग काम की वजह से वो अच्छा दिखे, बिकॉज दे हैव टू लुक डिसेंट, दे कांट लुक वेरी ओवर द टॉप। फिर ये एक और साड़ी है, दिस इज अगेन अ पेस्टल कलर प्लेन साड़ी है जिसपे पूरा ओवरऑल काम है, तो ये अगेन इज अ वेरी डिफरेंट टच, क्योंकि ये काम यू नो ये कलर इतना लाइट है कि उसपे हैवी थोड़ा काम दिया, सो दैट वो काम दिख के आए, यू नो कलर थोड़ा सेटल है। ये बहुत ब्राइट कलर भी जो मम्मियां हैं वो या फिर रिश्तेदार हैं, मासी हैं, वो लोग नहीं पहनते बहुत ज्यादा ब्राइट, क्योंकि एज के साथ ना थोड़ा सेटल अच्छा लग रहा है, बट इफ यू आर समबडी हु लाइक्स अ लिटिल ब्राइटर कलर, समबडी हु लाइक्स कलर विच इज ब्राइटर, तो वी हैव दैट ऑल्सो। कोई मम्मियां होती है जिनको कलर्स बहुत पसंद आते हैं, तो फॉर देम वी हैव दिस वन। बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हर एक साड़ी पे काम जिस तरह सा है वो भी बिल्कुल अलग ही आपको नजर आ रहा है, और साथ ही इनके जो कलर हैं वो भी बेहद शानदार है, यहाँ पर बहुत सटल कलर्स हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप दुल्हे की या दुल्हन की मम्मी है और आपको शादी में बहुत खूब भी दिखना है, सबसे हटकर भी दिखना है, तो जरूरी है कि आप जो भी कुछ पहने उसका भी खास ध्यान रखें, इसीलिए हम आपको खास तरह की साड़ियां भी दिखा रहे हैं जिनके कलर भी काफी ब्राइट भी नहीं है और काफी इस बार फैशन में भी बहुत इन है, तो इस तरह की साड़ियां आप पहन सकती हैं अपने बेटे या बेटी की शादी में या फिर अपने रिश्तेदारों की शादी में और सबसे खास लग सकती हैं, और इसीलिए हमने आपको दिखाया है कि इस सीजन क्या कुछ इन है साड़ियों में, क्या कुछ आप पहन सकती हैं और शादी में सबसे खास लग सकती हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सबकी बात हो ही रही है तो शादी के हीरो को कैसे छोड़ दूं? दूल्हे की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? आइए आपको कुछ लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बताती हूं, दिखाती हूं। दूल्हा चमकेगा तभी तो दुल्हन के साथ जोड़ी देखने में मजा आएगा।
पूरे देश में शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर दूल्हा यही चाहता है कि कौन कौन से मार्केट में रेंज आए हैं और कितने बजट में वो खूबसूरत दिख सकते हैं। मेरे साथ रोहित वर्मा हैं, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। ये बताइए कि शादी जो है वो उसका सीजन शुरू हो गया है, तो हर लोग यही चाहते हैं कि दूल्हे को कैसे सजाएं, कैसे सवारें ताकि वो दूल्हा कम बजट में खूबसूरत दिखे। देखिए पहले क्या होता था कि पहले दूल्हों के लिए आदमियों के लिए इतने कलेक्शन नहीं होते थे, पर आई थिंक टुडेज जनरेशन, आज का जो आदमी है वो बहुत मेट्रो स्ट्रक्चर बन चुका है, बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें वो यू नो दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट नाउ। पहले कलर पैलेट जो होता था या तो वो आइवरी पे जाते थे या तो मरून हो गया या दुल्हन के साथ मैच कर लिया, पर अब जो दूल्हा है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है, उसको आज डिफरेंट तरह की पगड़ियां हो गई हैं, डिफरेंट तो अब बहुत से लोगों को बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं अच्छी लगती हैं, तो हम क्या करते हैं हमने एज अ प्रिंट्स निकाली है, जैसे कि आप ये शेरवानी देखेंगे इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ प्रिंट वी हैव टेकन आउट, ये हमने एम्बॉसिंग ऑफ फ्लावर्स इसके ऊपर किया है, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट यू नो, और जो ये ब्लिंग भी है और सटल भी है, तो आई थिंक सो दिस काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन लॉट ऑफ मेन आर लाइकिंग इट नाउ। अब जैसे कि जैसे डिफरेंट वीव्स आई हैं बनारस की जो हम लोग अपना वीव कराते हैं, अब ये देखिए ये एक सटल कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि अगेन इसके नीचे आप धोती पहनाइए उनको या उनको पटियाला पाकिस्तानी सलवार पहनाइए, उनको अफगानी सलवार पहनाइए या चूड़ीदार पहनाइए विद अ गोल्ड काइंड ऑफ अ टर्बन यू नो, और हल्का सा एक्सटर्नलाइजेशन उसमें ये बहुत जचता है यू नो। तो कपड़ों के साथ साथ एक अहम बात ये भी है कि लोग बजट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या क्या रेंज है आपके पास? रेंज जो मेरे हैं वो 25,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की मेरे पास रेंज है यहाँ पे। देखिए जो आजकल का जो है चलन यू नो, बहुत सारे लड़कों को ये होता है दिमाग में कि मैं उसको बाद में कैसे पहनूंगा, इसलिए या हम इसलिए उस तरह का कपड़ों का निर्माण करते हैं, उस तरह से वीव करते हैं कि वो ये कपड़ा जो है वो कम से कम कई बार वो पहन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि हर दूल्हा ये चाहते हैं कि ये कपड़ों को सिर्फ एक ही बार पहना जाता है, तो हमने वो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है लड़कों का और हमने एक नया निर्माण किया है जो वो कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं आपको शेरवानी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखेंगे ये मेरा निर्माण किया हुआ फैब्रिक है ओके, ये देखिए रोजेस एम्बॉसिंग है, इसका कलर पैलेट इतना न्यूड और इतना डिफरेंट है, अगर आप देख रहे हैं इसका कलर पैलेट इतना न्यूड और इतना डिफरेंट है, पर्ल की क्वालिटी है, ये आप कई बार पहन सकते हैं। कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड है रोहित ने दिमाग में रख करके बनाया है कि जो शादी का जोड़ा होता है, जो शादी का ड्रेस होता है, वो शायद एक ही बार पहना जा सकता है, लेकिन रोहित ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि आप इसे सिर्फ अपनी शादी में नहीं बल्कि आप जब चाहे जिस ओकेजन पे चाहे आप इसको पहन सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। शादी में सबकी बात हो ही रही है तो पापा जी को कैसे छोड़ दूं? दोनों तरफ के पापा टेंशन में ही होते हैं, सब कुछ ठीक से निपट जाए तो ही उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही गजब हो जाता है अगर सब कुछ ठीक से निपट जाए तो। पापा सबकी शॉपिंग का पैसा देते हैं लेकिन अपने लिए शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, बिजी होते हैं, तो इस बार आप पापा की शॉपिंग कीजिए और उन्हें भी शादी के मौके पर पूरे अच्छे से चमका दीजिए। घर में अगर शादी है तो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला कोई इंसान होता है तो वो होता है लड़की या लड़के के पापा, क्योंकि घर की और शादी की तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर होती है और जिम्मेदारियों के बोझ के तले वो कई बार अपने कपड़ों का या शादी में पहनने लायक कपड़ों का ख्याल नहीं रख पाते। इसी के बारे में हम आपको बताने के लिए कि कौन सी ऐसी नई वेराइटीज या नए डिजाइन है मार्केट में जो लड़की या लड़के के पापा के लिए अवेलेबल है, उसके बारे में बताएंगे। इस वक्त हम हैं मुंबई के अजय अरविंद भाई खत्री स्टोर में और मेरे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो शादी की रस्म रहती है उसके फर्स्ट डे से हम लोग के वहाँ संगीत संध्या या मेहंदी रस्म की रहती है, तो उसी वक्त के लिए जो पहने जाते हैं ड्रेस कोड वो बताना कुछ चाहूंगा। ये रही है पठानी जी, ये लड़की के फादर या लड़के के फादर पर दिखा पहनते हैं जो संगीत संध्या में जी, या फिर मेहंदी रस्म रहे उसमें। ओके। एक ये ड्रेस हो गया जी, और दूसरा ड्रेस हो गया, ये एक पैटर्न है राजनीति जी, जिसे हम लोग ने रणधीर कपूर की फिल्म राजनीति आई थी उसमें देखा था जी, 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 जी। और ये चीज बनी है फैब्रिक नेचुरल लिनन है। ओके। उस पे और ये जो वर्क किया हुआ है इसमें ये साटिन का वर्क है और ये बहुत ही प्यारी चीज है, सिंपल से बटन है, लुकवाइज हैवी है। दूसरी बात है कि एक
जो रेंज है, ये जो कुर्ते आपने बताए, जो ये जो डिजाइन है जो शादी में, शादी से पहले संगीत में मेहंदी में पहने जा सकते हैं, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? ये स्टार्टिंग रेंज होती है 4150 से लेके 5500 तक। जो मेरे हाथ में अभी पीस है फिलहाल, इसकी कॉस्ट है 5500। ये बना हुआ है, फैब्रिक नेचुरल लिनन है जी। और दूसरे इसी में ही, जैसे कि मैंने बताया कि 4100 की रेंज में, ये दूसरा लिनन है, ये रेगुलर लिनन है जो बाजार में आपको कहीं पे भी मिल सकता है जी, जी, जी। और इसकी कॉस्ट है 4100। और इसके नीचे एक ट्राउजर आता है, सिंपल सा है, लेकिन आप इसको रेगुलर भी कभी रूटीन यूज करना चाहो तो उस तरह से रूटीन यूज भी कर सकते हो। चलिए अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देते हैं। क्या शादी में कपड़े से जुड़ा कोई अपशकुन ना हो, इसके लिए आपको पता है क्या ध्यान में देना है? आपको बताते हैं, अगर शादी में किसी ने नए कपड़े पहने हैं, लोग पहनते ही हैं, और वो थोड़ी देर बाद जल जाएं, कट जाएं, फट जाएं, तो ये अपशकुन माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसका ये संकेत है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आप किसी चीज को ध्यान में लाइए, मतलब किसी चीज में नए काम को करने से पहले 10 बार सोचिए। देखिए, नए कपड़े पहनते हैं और ऐसा कट फट जाता है, कुछ होता है, तो अपने ईष्ट देव को इमीडिएटली याद करें और नमक खुद से वार कर फेंक दीजिए, तो नेगेटिविटी हट जाएगी। अगर ये तुमसे प्यार करता है तो पलट के देखेगा। पलट, अरे पलट ना, झूठ। Why didn't you pilot? Hey, मैं नहीं पलट सकता, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। शो में वक्त हो गया है आपको चौथा महा उपाय बताने का। सवाल ये है कि क्या पुराने कपड़े दान करना चाहते हैं, पुराने कपड़े फेंकना चाहते हैं, तो उन्हें फाड़ कर या थोड़ा चीर कर आपको फेंकना चाहिए, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप उन कपड़ों का दान कर दें। आपको खुद किसी जरूरतमंद को कपड़े दान कर देना चाहिए, ऐसा करने पर आपकी कुंडली के कई ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। क्या करना है कल को अच्छा बनाने के लिए? सिंपल है, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से फॉलो कीजिए ये टिप और पाइए रिलीफ। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए टू एम। ए से है आपका नाम, तो ऑफिस में ज्यादा काम करें, रिजल्ट भी बेटर आएगा। बी से नाम शुरू होता है, तो ट्रैफिक के रूल्स बिल्कुल ना तोड़ें। सी से है आपका नाम, तो व्हाइट हैंडकरचीफ अपने साथ रखें। डी से नाम शुरू होता है, तो अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगाएं। ई से है आपका नाम, तो टीचर को अच्छे से विश करें। एफ से नाम शुरू होता है, तो माँ से प्रॉब्लम शेयर करें। जी से है आपका नाम, लाल चंदन का तिलक लगाएं। एच से नाम शुरू होता है, तो कछुए की फोटो वॉलपेपर पर लगाएं। आई से है आपका नाम, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जे से नाम शुरू होता है, तो लंच में अंकुरित अनाज खाएं। के से है आपका नाम, अपने कागजात ध्यान से रखें। एल से नाम शुरू होता है, किचन की सफाई करें। एम से है आपका नाम, तो गरीब बुजुर्गों को फल दान में दें। आखिर में जाने से पहले आपको आज का पांचवा महा उपाय क्या है ये बता देते हैं। क्या आप नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं? शुक्र ग्रह का संबंध कपड़ों से होता है। शुक्रवार को नए कपड़े खरीदने से लंबे समय तक साथ निभाते हैं और आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्रवार को कपड़े खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और खरीदने वाले के पास हमेशा कपड़ों की बढ़ोतरी होती है। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट एन टू जेड। एन से नाम है, तो दिन भर में खूब पानी पीना है आपको। ओ से नाम है, क्रिएटिव चीजों में मन लगाना है। पी से आपका नाम, बच्चों की तारीफ करें। क्यू से नाम शुरू होता है, ऑफिस के काम जल्दी निपटाएं। आर से नाम शुरू होता है, तो तांबे के ग्लास में पानी पिएं। एस से है आपका नाम, तो माँ से प्रॉब्लम शेयर करें। टी से नाम शुरू होता है, तो दिन भर में खूब पानी पिएं, लेकिन थोड़ी सी मिश्री डाल के। यू से है आपका नाम, तो बुरी संगत से बचना है। बी से नाम है, तो सुबह देर तक ना सोएं। डब्ल्यू से नाम शुरू होता है, तो गरीबों को कुछ पैसे दान में दें।
एक्स से है आपका नाम तो हाथ में घड़ी जरूर पहने, वाई से नाम है तो काली शर्ट पहने, काला कपड़ा साथ में रखे, और जेड से है आपका नाम शुरू तो काम जल्दी निपटा ले, कुछ अर्जेंट काम भी आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए।